मेरे दो लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य जो मैंने आपको पहले कह दिया, मोहब्बत का देश है, देश में नफरत को मिटाने का मेरा पहला लक्ष्य। अब वो काम पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना होगा, उसके बिना यह काम नहीं किया जा सकता। और अगर हमें नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना है तो तेलंगाना में केसीआर को पहले हराना होगा। भाइयों और बहनों, ये एक ही टीम है, ये दो तीन टीम नहीं है। यहां पे बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं। मुझे बता दो, आपके चीफ मिनिस्टर पे कौन से केस हैं? सीबीआई है उनके पीछे, ईडी उनके पीछे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे नहीं? सबसे भ्रष्ट सरकार चलाते हैं, मगर ना एमआईएम के पीछे, ना चीफ मिनिस्टर के पीछे कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं। मुझे बताओ, चीफ मिनिस्टर का घर छीना इन्होंने नरेंद्र मोदी ने, उनकी सदस्यता रद्द की, चीफ मिनिस्ट्री से हटाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा में जाओ, 24 घंटा बीआरएस के लोग नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं। जीएसटी में मदद की, नोटबंदी में मदद की, किसान बिल में मदद की, जमीन अधिकरण बिल में मदद की, ड्रामा चल रहा है। बीजेपी उनकी यहां मदद करती है, ये उनकी वहां मदद करते हैं, और एमआईएम जहां भी बीजेपी है उनकी मदद करती है। इसीलिए तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है, और उसके बाद, तेलंगाना के बाद दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराना है। ये दो लक्ष्य हैं।